तंदा तो कह रहे रेलवे ट्रैक नहीं बना। अरे पंद्रह सौ नहीं संभाल, सेवक किसका है? प्रधानमंत्री है, 5 अरब आदमी संभाल रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी जीतेंगे, लड़ेंगे राहुल गांधी लड़ेंगे। ये रोड अमेठी गोरिंग का है, कभी खजुरी में खड़ी हुई, कभी किसी से मिली हमारे गांव में। नाराजगी तो है, हम तो पत्रकार हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टोटली आप जाइए कार्यालय, मिलिए, कैसे नहीं मिलती है बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी, क्या माहौल है? माहौल ठीक है मैम, देखिए ये ये पॉलिटिक्स है। देखिए एक बात तो बताओ, देखो कांग्रेसी हो भाजपा हो इससे क्या लेना देना, अपने मुद्दे बताओ। मेरा तो मानना ये है कि सरकार इसमें पॉलिटिक्स में क्या होता है। हमारा मतलब ये मानना है कि सरकार को बदलने से ही काम होगा, जैसे ग्राम पंचायत में होता है प्रधान होता है। ठीक बात है, एक रोटी अगर तवे पे रखे रहोगे तो जल जाती है, पलट देने से रोटी ठीक रहती है, लेकिन पलटोगी भी तब जब रोटी जल रही हो तो रोटी जल रही है क्या? जल रही है जी, की जल रही है, तिरानी काम नहीं कर पा, अब स्वाद नहीं आ रहा है रोटी, रोटी जल रही है, इसलिए उसमें स्वाद लाना जरूरी है, अब बदलाव होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी का है माहौल जो है, अब है नहीं अमेठी में, अब अमेठी को राहुल गांधी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया अमेठी की जनता ने 5 साल राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते हैं। 13 रुपए किलो की चीनी जो है ना, लोग खा के पेट भर गया उनका। मैम 13 रुपए की किलो जो चीनी थी इनकी, उसे पेट भर गया, पेट भर गया, अब लोग जो है ना कुछ नमकीन ढूंढ रहे हैं। सरकार चाहे जो बने, सरकार चाहे जो बने, तकलीफ हम लोग को नहीं है, हम लोग के यहाँ के स्टेशन रोड बनना चाहिए, बस ये जान रहे हैं। स्टेशन रोड क्या माहौल है भैया? स्मृति ईरानी जीत रही है, कहाँ का माहौल? अमेठी में स्मृति ईरानी के अलावा कोई जीते कुत्तेगा नहीं, 5 साल लगातार जनता के बीच में रही, लोगों को काम किया। लोग कह रहे मिलने नहीं आती थी अमेठी का, कोई विकास नहीं किया, नहीं बहुत नाराजगी। जाइए मिलिए, कैसे नहीं मिलती है, बहुत नाराजगी लगातार। अब राहुल गांधी दिखे कहीं, खाली प्रोपेगेंडा आई है। ये रोड अमेठी गोरिंग का है, कभी खजुरी में खड़ी हुई, कभी किसी से मिली हमारे गाँव में। नाराजगी तो है, हम तो पत्रकार हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टोटली आप जाइए कार्यालय, मिलिए, कैसे नहीं मिलती है बता रहे हैं। अरे एक मौजे का घर बनवाई है स्मृति ईरानी, घर बनवाई है, हाँ बिल्कुल बनवाई है। तो लोगों के लोग कह रहे 13 रुपए की किलो चीनी देने की बात कही थी, नहीं इतनी महंगाई है, चीनी थोड़ी ना कम कर देगा कोई, आप बताइए। वादा की थी ना, वादा तो की। अच्छा आपको लगता है कि नेता लोग वादा करते रहते हैं, ऐसा लगता है नहीं लगता है, सही बताओ। 1500 की आबादी को अगर, अरे चुप पे ना रहो, बताओ, बोल रहे सुनिए सुनिए, 1500 की आबादी को अगर गांव का प्रधान जो है हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो कैसे इतने बड़े क्षेत्र को एक सांसद संतुष्ट करेगा, वो भी 5 साल में। गांधी परिवार तो यहाँ 50 साल रहा, थोड़ा और मौका चाहिए ना, काम काहे नहीं हो रहा है? दूसरों से अलग कैसे हुए? अरे अलग है, कितना काम चाहिए, कितना काम चाहिए, नहीं काम कितना चाहिए, कितना काम चाहिए, काम गिनवाइए, काम गिनवाइए आपके अमेठी में, आपके विकास के 5 काम गिनवाइए। सबसे बड़ा काम तो बढ़िया बढ़िया सड़कें बन रही हैं। बढ़िया सड़कें जो है ना, ये हमारे भारत का भविष्य है, ये हमारे बगल खड़े हैं, आप नहीं बनवा रहे हैं ना, तो कह रहे रेलवे ट्रैक नहीं बना। अरे सेवक किसका है, सेवक किसका है? प्रधानमंत्री है, 5 अरब आदमी को संभाल रहे हैं। स्मृति ईरानी आपका रेलवे ट्रैक नहीं बना ना, ये कह रहे सड़क रेलवे ट्रैक बनाया मैडम, ये रेलवे के रोड जा रही है, आज तक नहीं बना, स्मृति ईरानी यहाँ आती नहीं है, ये यही रोड है, छोड़ने वाला है नहीं, रोड नहीं बनी, खाली हवा में चल रहा है, खाली बीजेपी की क्या की बीजेपी। अरे काम भी करेंगे, हमारा रोड नहीं बना है, ये बताओ 5 साल हो गया, ये नहीं बनाई है। चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं, कोई गांधी परिवार का आता है तो कुछ चुनाव में है। हमारे यहाँ का संजय गांधी सारे नलका साला बिगड़ा पड़ा है, आदमी भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है नलका ना, अरे नलका तो ग्राम सभा बनवाएगी, नलका तो ग्राम सभा बनवाएगी, जिनको प्रधान बनाया है इन लोगों ने, एक पैसा का यही मेन रोड है, प्रधान की कमी है ना, नहीं मिलती अस्पताल में, जितनी डिलीवरी है बिना पैसे का ऑपरेशन नहीं होता है, यही तो विकास कहलाता है। काहे को 50 साल का विकास नहीं दिख रहा है लोगों को, बता रहे
पाँच साल का विकास, 14 साल का विकास चाहिए, 10 साल का विकास चाहिए, 50 साल विकास नहीं दिखता। 15 साल के विकास के नहीं है, 15 साल के काम पर आपको ये देश के नहीं है, थोड़ी हो रही है, ये देश के नहीं है, बात करने लगे, 50 साल देश में नहीं है, बात कर रहे हैं जो जो ये विकास की बात कर रहे हैं तो ये देश के नहीं हुए आपके साथ। नहीं नहीं, अगर ये अपने क्षेत्र की बात कर रहे आती क्यों नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं भाई, हमारे से काम नहीं है, आप बताइए इनकी बात सुन। अरे हमारा रोड बनवाए, आपका सामूहिक काम हो रहा है, अरे आपका रोड क्यों बनवा दे, जनता का रोड होना चाहिए ना, हमारी जनता नहीं होती मैडम, सिंगल बॉडी जनता नहीं होती, सिंगल बॉडी जनता नहीं होती, समूह जनता होती है। किसको किसको रोड चाहिए, किसको किसको रोड चाहिए, हाथ उठाओ, रोड किसको किसको चाहिए, हाथ उठाओ, पाँच साल हो गया, रोड हम सबको चाहिए, दिखा देता हूँ, ये रोड है सामने, आप देख लीजिए, एक मिनट आप लाइन दिखाइए, लाइन दिखाइए, लाइन दिखाइए, सारा नलका देख लो, मैं रोड सबको चाहिए, रोड बन रही है, ये कहीं गए एप्लीकेशन देने के लिए, कहीं भी कोई प्रार्थना पत्र दिया, कहीं नहीं आई है, ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के पाँच पाँच बार अरे सुनो, अरे रुक जाओ, हमें बोलने दे दो, जब जनता के बीच में आते हो भैया, जब जनता की ऐसी बातें मत करो, जब जनता के बीच में आते हो ना, हमारे गांव के, ये हमारे गांव के नहीं है, बदलेगा सांसद, बदलेगा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब रोड, जब जमीन पर उतरते हो ना, चुनाव का समय चल रहा है, इन्हीं सब बातों पर वोट मिलता है, अपनी गलती मान लिया करो, वरना जनता भगा देगी, कुछ नहीं होगा, जनता तो जिता रही है ना, देखने वाली बात यही है, खजरी का स्टेशन रोड है, आप लाइव दिखा दीजिए प्लीज, खजरी रोड कैसा है, ये स्टेशन मार्ग कैसा है, आप लाइव दिखा दीजिए एक बार, भाई स्टेशन टेच है और इसको हम लोग थक गए, एप्लीकेशन देते देते कोई यहाँ तक सुनवाई नहीं हो रही है, पुराने विकास कर दिया है, क्या विकास है यहाँ से, आप वहाँ 400 मीटर खजूरी स्टेशन है मैम, ताला खजूरी, उनको बता दीजिएगा, आपके जरिए वहाँ सर सामने है, उन आप बता दीजिए, ताला खजूरी स्टेशन है, नेताजी ताला खजूरी चौराहा है, ताला का नाम है खजूरी, ये खजूरी खजूरी, नेताजी कहाँ गए बताओ, अरे वो कुछ नहीं है, वो हवा है, वो नेताजी वो हवा, वो भाग गए, नेताजी भाग गए, भाग गए, उनको क्या मालूम, ये हमारे गांव के हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये सब हमारे गांव के हैं, नहीं ये सभी हमारे गांव के हैं, ये बता सकते हैं, ये लड़का हमारे गांव का है, हम सब एक ही गांव के हैं, अच्छा चलो सुनो, बोला ना एक मैम प्लीज, देखिए थोड़ा सा एक लाइट दीजिए, हम समझ गए, हम समझ गए, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो देखो इधर आओ, एक मिनट, ये देखो, ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, डबल इंजन का विकास देखिए, एक इंजन नहीं है, डबल इंजन, कोई डबल इंजन नहीं है हमारे यहाँ, देखिए बात यहाँ पर ये है कि लोगों ने यहाँ पर जो है नेताजी मिल गए, नेताजी मिल गए, नेताजी का अच्छा भूल गए थे कैमरा ये वाला है, माफ करिएगा भैया, डबल इंजन का विकास देख लीजिए, हर जो बच्चों ये है डबल इंजन का विकास, खजूरी चौराहा प्लस स्टेशन जा रहा है, क्या बता रहे ना, रेलवे स्टेशन खजूरी चौराहा, खजूरी चौराहा है ये स्टेशन रोड, स्टेशन रोड है ये, देखिए मेन स्टेशन रोड है, हालत देखिए रेलवे स्टेशन रोड की, हालत ऐसी है कि जो हमारे चाहते हैं हमारे गांव के हैं ये बताएंगे आपको, पानी अगर बरस जाता है, अगर पानी बरस जाता है तो इस पर लोग चल नहीं पाते हैं, खुद गिर गिर के लोग चल नहीं पाते हैं, पैदल ही गिर जाते हैं, रोड नहीं जाता, ये शिकायतें आती हैं, ये शिकायतें आती हैं और ये शिकायतें आना भी चाहिए, क्योंकि जब वोट जाति धर्म के नाम पर पड़ता है, नेता के नाम पर नहीं, नेता के काम पर पड़ता है, ऐसी चीजें होना लाजमी है भाई, होना लाजमी है, वोट काम पर देना चाहिए, और मैडम वोट हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर, मुगल पर, मटन पर, मछली पर, चिकन पर नहीं देना चाहिए, काम पर देना चाहिए, अच्छा यहाँ हुआ क्या आप बता रहे, यहाँ जातवादी हुआ ये कि नेताजी प्रचार कर रहे थे स्मृति ईरानी जी का, उनको पकड़ लिया गांव के लोगों ने और कह दिया कि आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया, और सच्चाई हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हालत है, यहाँ कोई काम हुआ नहीं, और यहाँ पर जोगी मोदी वो सबको देख रहे हैं,
वो उसमें कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम नहीं, सबको आवास मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको जो है उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किए हैं। लेकिन जो यहाँ मौजूदा हालत पर यहाँ संसद हैं वो कोई काम किया नहीं है। 5 साल स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया है और उसके बाद 15 साल हो गया। अगर देखिए ये आप लोगों की गलती है, अगर आप लोग काम पर वोट नहीं करेंगे, जाति धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो यही पॉइंट है। जाति धर्म वोट नहीं है, जाति धर्म लोग तो कह रहे हैं कि हम सांसद के नाम पर वोट ही नहीं करते, हम कमल छाप पे वोट करते हैं। यहाँ जाति धर्म पर वोट नहीं है, यहाँ काम पर वोट है। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम जिसका देखेंगे काम सब तो लोग कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट देते, सांसद सांसद अगर काम करेगा तो सांसद के नाम पर वोट मिलेगा, अगर सांसद काम नहीं करेगा मोदी जी के नाम पर मिलेगा, तो केवल मोदी जी के नाम पर चाहे जो देंगे। और कांग्रेस अब काम अगर होता है काम कैसे होगा, सांसद तो वही बार बार मिल रहे ना। अरे जब एक बार हार गई है यहाँ से तब याद आए, जब हार जाएंगे यहाँ से कब याद आएगी। अगर यही दशा रहेगी तो हार जाएगी। अमेठी वाले अभ्यस्त हैं सांसदों से मुलाकात नहीं हो पाती, सांसदों से मुलाकात नहीं हो पाती, अमेठी वाले अभ्यस्त हैं, इसलिए पुनः स्मृति ईरानी को उठेंगे। मोदी के नाम पे, देश के नाम पे, समाज के नाम पे, संस्कृत के नाम पे वोट तो देंगे ही। काम तो नहीं कराया है ना? अरे मैडम कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, काम काहे नहीं हुआ है? संभाल पाएंगे? अब बोल रहे हैं इतना वो भी इतना समाज में काम कैसे कर पाएंगे? ये यही होता है आपके वोट का, आपके वोट से घमंडी आता है। चलिए आइए जब बार बार जनता काम पर वोट नहीं देगी, सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट देगी तो घमंड आना तो लाजमी है। खैर ये देख लीजिए मेन स्टेशन रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं, भयानक शिकायतें कर रहे हैं। चुनाव का समय है, एकदम पीक पर चल रहा है चुनाव। हम आपको दिखा रहे हैं कि डबल इंजन का विकास क्या है। अपनी आंखें खोल कर देखते रहिए और सच्चाई समझते रहिए। लोगों के दिल में क्या है, लोगों के विचार क्या है, वो भी हम निकालते रहते हैं। आइए देखिए, ये इन्होंने शिकायतें 2011 से कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सच्चाई ये है कि सांसद से असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। अब ये असंतुष्टि वोटिंग के समय दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, ये तो समय बताएगा। वोट लेने के लिए रानी जमीन में विकास नहीं है, जो विकास है ऊपर ऊपर हवा में है, हवा में है विकास, जमीन पे कोई विकास नहीं है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं रेल की बदलाव होगा जी, बदलेंगे। हाँ मेठी और राहुल आ रहे हैं, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी सांसदों को ध्यान रखना। और मैं रेलवे स्मृति जी देख रही होंगी, स्मृति जी देख रही हैं, राहुल गांधी हैं। अच्छा राहुल गांधी होगा तो राहुल गांधी आएंगे, अगर विकास नहीं हुआ तो राहुल गांधी आएंगे अमेठी में। स्मृति ईरानी कुछ नहीं है, चलिए विकास तो जरूरी है। गांधी लड़ेगा नहीं, राहुल गांधी लड़ेंगे तो बोलने दो, लड़ेंगे 100% लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे जी, नहीं लड़ेगा नहीं, गांधी लड़ेगा नहीं, देख लीजिए बोलने दीजिए मैम, राहुल गांधी लड़ेंगे। अमेठी से राहुल गांधी जीतेंगे, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए नहीं है। आप चलिए, प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खोला है जो कि जर्निक दवाओं को हम लोग बैन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जर्निक दवाई दिलवा रहे हैं, उस पर भी वहाँ जाइए, 1 रुपए का पर्चा कटाइए, 1 रुपए का सिक्का चलता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। चल के आई, ये रास्ता राहुल के पीरियड में था, सोनिया के पीरियड में था। अरे बदलेगा भाई, अभी भी बदलेगा। चलिए समय, अभी भी इनको समय चाहिए। नेताओं का रोना कभी खत्म नहीं होता। अब वोटिंग के समय क्या होगा, सांसद स्मृति ईरानी से भयंकर असंतुष्टि है। अभी असंतुष्टि
कोई असंतोष नहीं। अच्छा, ये असंतुष्टि मैं हम लोगों की बता रही थी, वो तो उनके उनका पर्सनल मामला है। अच्छा। उनके गांव का मामला है, कोई पर्सनल मामला नहीं है। पर्सनल मामला स्मृति ईरानी का होना चाहिए जी, स्मृति ईरानी का ये पर्सनल मामला होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग उनके अपने आगे होगा। चलिए चलिए, ये संतुष्टि वोटिंग के समय दिखेगी नहीं दिखेगी, क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अमेठी का चुनाव बहुत मुश्किल है, बहुत टक्कर का है, अब देखते होता क्या है। आइए मेरे साथ। जिंदाबाद। हाँ, ये बात अच्छी है, सबका जिंदाबाद। हमारे लिए सबका राजस्थान ना कितना।